I love colors, yes I do. Red and orange, green and blue. I love colors, yes I do. Red and orange, green and blue. I love colors dark and bright, yellow and purple, black and white. हेलो बच्चों, कैसे हो? ये है कलर्स पोयम, बहुत ही खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी पोयम है, छोटी सी। तो हम आज के लेसन में जानेंगे कलर्स के बारे में, रंगों के बारे में। जैसा कि आपको इस तस्वीर में, इस ग्राफिक में, इस फोटो में दिख रहा होगा कि मैंने ढेर सारे कलर्स यहाँ बनाए हैं, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसमें जो जिस कलर के लिए लिखा है उसी कलर से मैंने लिखा भी है। रेड को रेड में लिख दिया, ऑरेंज को ऑरेंज में, ग्रीन को ग्रीन में, ब्लू है तो ब्लू, येलो है तो येलो, पर्पल तो पर्पल, ब्लैक ब्लैक, वाइट वाइट, है ना। तो ये छोटी सी बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोयम है जिसे हम ऐसे गुनगुनाएंगे और कलर्स को जानेंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, मैं पहले बोलता हूँ उसके पीछे आप बोलिए। I love colors, yes I do. Red and orange, red and orange, green and blue. I love colors, dark and bright, yellow and purple, black and white. Good. चलिए अब मैं गाता हूं, आप मेरे साथ गुनगुनाइए एक साथ, ठीक है। I love colors, yes I do. Red and orange, green and blue. I love colors, dark and bright. Yellow and purple, black and white. तो ऐसे ही गुनगुनाइए जैसे आपका गाने का मन करे, बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी पोयम है, याद है तो इसको मस्ती में गाइए, और जब स्कूल खुलेगा तो सुना जाएगा, आप चिल्ड्रन असेंबली में इसको सुना सकते हैं। गुड, चलिए अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ये कह रहे हैं आई लव कलर्स, लव माने प्यार करना, मुझे प्यार है कलर्स, रंगों से। भाई रंगों से किसको नहीं प्यार होता है, सबको प्यार होता है, सबको रंग अच्छे लगते हैं। क्यों भैया, आपको वो लगता है या नहीं लगता होगा। चलिए आगे कह रहे हैं यस हाँ आई डू, तो किसने पूछा आई लव कलर्स, यस आई डू, हाँ मैं कलर से प्यार करता हूँ। रेड लाल ऑरेंज माने ये ऑरेंज कलर है, फिर आई लव कलर्स मुझे कलर से प्यार है, मुझे रंगों से प्यार है। डार्क माने होता है गाढ़ा रंग, ब्राइट माने होता है चमकीला रंग, येलो माने पीला, पर्पल माने ये बैगनी, ब्लैक माने काला, वाइट माने सफ़ेद। तो बस यही बता रहे कि मुझे रंगों से प्यार है, और जितने रंग हैं उनके बारे में बता दिया गया है। यहाँ मैंने देखिए ये रेड है तो आर ई डी रेड लिखा, ऑरेंज तो ऑरेंज, ग्रीन तो ग्रीन, ब्लू का ब्लू, येलो, पर्पल, ब्लैक, वाइट, जितना इसमें था इस पोयम में उतना मैंने लिखा है। बाकी के और कलर्स भी हैं उनको भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने आपके लिए बनाया है। तो इसमें तो फिलहाल कुछ नया है, मैंने कुछ नए भी दिए क्योंकि वहाँ पे 8 कलर्स हैं, यहाँ पे 8 से ज़्यादा हैं। कितने हैं ज़रा गिन के बताइए, तो कितने कलर्स इसमें हैं? ओके राइट, सही बताया आपने, इसमें देख रहे हैं कि 11 कलर्स मैंने बना दिए हैं। भाई इसमें ज़्यादा कौन सा, एक्स्ट्रा कौन सा हो गया है वहाँ से, ज़रा देखिए तो ये हो गया पिंक, पिंक को आने दिया गया, पिंक माने गुड, पिंक माने गुलाबी, ब्राउन, ब्राउन माने क्या होता है भाई, वेरी गुड, ब्राउन माने भूरा रंग, कत्थई रंग भी बोल देते हो, इंडिगो, इंडिगो माने होता है नीला, नील के रंग का जो होता है उसको नीला कहते हैं, ब्लू थोड़ा आसमानी कहा जाता है लेकिन ब्लू को भी कभी कभी नीला बोल दिया जाता है। एग्जैक्टली होता ये है कि जो इंडिगो होता है वही नील होता है, इंडिगो का मतलब नील होता है, तो नील से जो कलर बनता है उसको नीला कहते हैं। तो ये 3 कलर एक्स्ट्रा इसमें है, बाकी वहाँ थे आई थिंक सभी, है ना। तो ये है फिर से वही रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू येलो पर्पल ब्लैक वाइट, गुड। अब आगे देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, अब यहाँ ज़रा देखिए तो बड़ा कर दें, ये देखिए यहाँ पे सारी रेड चीज़ें रखी गई हैं। इसमें क्या क्या है ज़रा देख के पढ़िए तो, क्या समझ में आ रहा है, क्या है ये भाई इसमें रेड वाले खाने में।
टोमेटो, वेरी गुड, टोमेटो है इसमें। और ये क्या है, फायर इंजन है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लॉक है ना, ये सब रेड कलर के हैं, तो ये रेड कलर का हो गया। अब इसमें कौन कौन से कलर हैं भाई, ये तो येलो है टोटल, येलो कलर का क्या देखा है आपने, वेरी गुड, बनाना, लेमन, लेमन माने ये नींबू है, डकलिंग जो चूजे होते हैं, बतख के बच्चे छोटे होते हैं वो भी कभी कुछ पीले होते हैं, चीज, चीज भी, पनीर भी जो है उसको जब फ्राई कर दिया जाता है तो येलो हो जाता है, येलोइश हो जाता है ना। अब जरा इसमें देखिए ब्लू में क्या क्या है भाई, ब्लू में जरा जल्दी पहचानिए। तो यस, ये है कार, ये है बर्ड, यानी ये तो पैरट है, पैरट भी ब्लू कलर का होता है, ग्रीन आपने देखा होगा लेकिन ब्लू कलर का भी होता है पैरट। ओके, रबर डक, ये रबर की एक जो है खिलौना डक है, तो ये भी ब्लू है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई माने होता है क्या होता है, तितली, तितली भी ब्लू कलर की है, तो यहाँ ब्लू कलर की सारी चीजें रखी गई हैं। ओके, यहाँ जरा देखिए तो ग्रीन कलर में क्या क्या दिख रहा है, एक तो लाइम है, लाइम यानी कि जो कच्चा नींबू है वो ग्रीन कलर का है, लीफ पत्ती है, फ्रॉग मेढक है, अवाकादो एक फल होता है, ये भी एकदम पूरा ग्रीन होता है, तो ये सब भैया ग्रीन में है। पर्पल जरा देखिए तो बैगनी कलर में क्या क्या है, टी पॉट, चाय का बर्तन है, हैट, एक टोपी रखी गई है, बलून है ना, और एक बकेट है, बाल्टी, ये सब पर्पल कलर के हैं। ऑरेंज में क्या क्या रखा है, कप है, कैरेट्स, गाजर हैं, बॉल है, और ऑरेंज खुद इसमें है, तो इतनी सारी चीजें हैं, तो इससे आपको कलर्स के बारे में बताया गया है। ठीक, देखिए एक और आपको दिखाते हैं, उसमें भी काफी चीजें हैं, ये देखिए यहाँ पे बेसिक कलर्स करके दिया गया है, ब्राउन है, ये क्या है भाई, मंकी, रेड क्या है, ये बर्ड है, चिड़िया है, व्हाइट ये क्या है, शीप, भेड़ है, पर्पल कलर की फिश इन्होंने बना दिया है, ब्लू कलर की बटरफ्लाई बना दिया है ना, ग्रे कलर का ये क्या है, क्या है, क्या है भाई, ये कैट है, यस, ग्रीन कलर का टर्टाइज है, ये तो पिंक कलर का ये क्या है भैया, बक है, बगुला, ब्लैक कलर का क्या है, बियर, ऑरेंज कलर क्या है, शायद फॉक्स है, लोमड़ी लग रही ना, लग तो लोमड़ी रही है, और ये येलो कलर का चूजा है, चूजा है ना। ओके, तो ये कलर्स थे, बस इतना ही इसमें था, यही सारी चीजें इसमें जाननी थी, कलर के बारे में, रंगों के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा है ना, यही था जो आपको पढ़ना था, ये पोयम थी आपकी, इसको फिर से दोहरा लीजिए और आपका कंप्लीट हो गया। ये फिर से लास्ट में मेरे साथ गा के खत्म करते हैं इसको, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। आई लव कलर्स, यस आई डू, रेड एंड ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू, आई लव कलर्स डार्क एंड ब्राइट, येलो एंड पर्पल, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, थैंक यू।